प्रार्थना भवन टीवी जो प्रभु यीशु का चैनल है, देखने वाले मेरे प्यारे दर्शकों, जय यीशु मसीह की। प्रार्थना भवन टीवी में प्रतिदिन संतों के बारे में सुनकर जानकारी प्राप्त करें। ईसाई धर्म में संत वही है जो प्रभु यीशु के लिए अपना सारा जीवन कुर्बान कर दे। कुछ संत तो प्रभु यीशु के नाम पर शहीद हो जाते हैं, पर वे सारे संत अपना पूरा जीवन दुख उठाते हैं और पूरी दुनिया के पापों का प्रायश्चित करते हैं। मुझे ये बताते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है कि फादर जोसेफ जी, जिन्होंने स्वयं प्रभु यीशु से प्रेरणा ली है, वो आज आपको संतों के बारे में बताएंगे। और यदि आप संतों के बारे में अधिक जानकारी जानने के इच्छुक हैं, आप हमारी ईमेल पे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है tagdijosh@gmail.com। दिसंबर 23, संत तरलक बिशप। संत तरलक का जन्म आयरलैंड विके 1103 विके होया सी। उनांदा पुरोगदा विषय उनांदा वो एक डीकन 15 साल विके बन गया। जदों 18 साल विके संत तरलक एक पुरोगित बन गया। वो इंग्लैंड अदे फ्रांस जाके अपना पढ़ाई किता। और जदों वो फ्रांस गया सी संत तरलक, संत अगस्टिन दा जमात विच शामिल हो गया। अदे का अगस्टीनियन मट्टुवासी बन गया। वो अपने देश नू वापस आ गया। 1161 विके वो आइसलैंड नू वापस आके सुसमाचार दा प्रचार शुरू किया। संत तरलक दा सब तों बड़ा काम सी कि विश्वासियां विके एक नवीकरण लेके आना। इदे लई तरलक ने सब तों पहले आपने आप एक नमूने दे तौर ते जिंदगी बिताना शुरू किया। उन्होंने अपने जिंदगी दा बहुत समा प्रार्थना और तपस्या लई विच बिताया। अते बाकी टाइम समा उन्होंने खुदा दा वचन सीखने लई इदे प्रचार दे लई बिताया। जदों एक अमीर आदमी दा मौत हो गया, उन्होंने कोई बच्चे नहीं सी। इसलिए उन्होंने पूरा अपना धन दौलत जमीन कलीसिया विके रकासी। संत तरलक इस मौके दा फायदा उठाते हुए उते एक बड़ा आश्रम शुरू किया, संत अगस्टिन्स आश्रम। उते संत तरलक मट्ट अधिकारी बन गया। 1178 विके संत उतों दा बिशप साहब बन गया। संत तरलक नू ये खास काम उन्हां दे सामने सी कि उन्हां दे विश्वासियां विच नवीकरण लेके आउना, क्योंकि वो इन्हां नू महसूस हो गया है कि आइसलैंड विके लोगां दी जिंदे विच अनुशासन दा कमी है। इसरे उन्हां ने उन्हां दी रूहानी जीवन दा नवीकरण लई मेहनत करना शुरू किया। तलीम सिखाउण लई अते तलीम दे किताब बनाउण विच उन्होंने बहुत मेहनत किया। इतिहास मुताबिक संत तरलक एक पवित्रता दी हलीमी दा अते तपस्या दा जिंदगी बिताया सी। उते वो 15 साल बिशप रहा। इससे बाद उन्होंने अपना ये पदवी नू त्याग के पूरा जिंदगी विच दूसरियां दी कासर के गरीबां अते बीमारां दी सेवा लई बेतकन लई फैसला कीता। पर खुदा दी योजना अलग सी। खुदा ने उन्हां नू अपने कोल 23 दिसंबर 1193 विके बुलाया। संत तरलक आइसलैंड दा सब तों प्रसिद्ध संदे, जिन्होंने आइसलैंड विके कलीसियानू पूरा देश विचे विके ईमानू फैलाया
ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਬ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੀਏ। ਸੰਤ ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 7:12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਤੱਕ। ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੁਰਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜੋ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਗਏ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਤਾ ਗਏ, ਉਹ ਦਿਨ ਬਥੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਦੁਆੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪੂਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਤਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਦੁਆ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਸ਼ਟੋ ਮੈਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਗਏ, ਉਸ ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ ਵਰਗਾ ਗਏ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਚੱਟਾਨ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਗੜ ਆਏ ਅਤੇ ਹਨੇਰਾ ਚਲੀਆ ਅਤੇ ਉਸ ਖਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈਆ, ਪਰ ਉਹ ਟਿਕਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਚੱਟਾਨ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਮੂਰਖ ਆਦਮੀ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣਾ ਹਰ ਰੇਤ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਗੜ ਆਏ ਅਤੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਚਲੀਆ ਅਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈਆ ਅਤੇ ਉਹ ਟਿਕ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਸ਼ ਭਯੰਕਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਬਾਪ, ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਤਰਲੋਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਛਾਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਈਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬਣਾ। ਜੋ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਪ੍ਰਜਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੇੜੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰੂਪਾਕ ਸਨੇਹ ਕੁਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦਰਾਜ ਕਰਤਾ ਗਏ, ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕਰ। ਆਮੀਨ।